वेलकम टू वीकेंड क्रिटिक। आज का रिव्यू है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे जिसका नाम है द रिवर रनर। लाइफ में आपके खुद के गोल्स अचीव करने के लिए, चाहे आप उसमें कितने भी माहिर हो या कितने भी नौसिखिए, अगर आपका मकसद आपको पता है तो लाइफ के अप एंड डाउन कुछ मैटर नहीं करते हैं। आपको जो आज वीकनेस लग रही है वही आपका स्ट्रेंथ बन जाते हैं। स्कॉट लिंडग्रेन कि ये ट्रू इंस्पिरेशनल 1 आवर 25 मिनट्स की ये डॉक्यूमेंट्री हर उस इंसान के लिए है जिसके कुछ ड्रीम्स हैं। बचपन में पेरेंट्स का डिवोर्स, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, स्कूल में ड्रग एब्यूज में एंड असॉल्ट, और फिर लाइफ में टर्न आता है जब वो राफ्टिंग सीखते हैं और राफ्टिंग के थ्रू कायकिंग। कायकिंग करने में जितनी चुनौतियाँ हैं उतनी ही डिफ़िकल्ट है अपनी पर्सनल लाइफ में आई हुई डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना। कायकिंग में नदी के बहाव के साथ बहना, और वो भी उस नदी में जहाँ एक उफान मचा है, और पार करना उन चट्टानों के बीच उस नदी के फोर्स के साथ जहाँ लहरें बड़ी और स्पीड में हैं। और पर्सनल लाइफ में अपने दोस्तों को कायकिंग में खो देने के बावजूद उसी नदी को पार करना, रॉबरी और होस्टेज जैसे चीज़ों से डील करना, और उससे भी बड़ी चैलेंज ये कि ब्रेन ट्यूमर होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना। इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे मोटिवेशनल वर्ड्स हैं जिसे मैंने कंपेयर किया है अपनी मीडियोकर लाइफ से। लेट्स चेक आउट। पहला, लेजर फोकस। फोकस लाइफ में सिर्फ पैसा कमाने का है ताकि लोन चुकता कर सकें। दूसरा, कमिटमेंट। तो सिर्फ अपने स्पाउस से ही होती है, उसके आगे की सोच है ही नहीं। तीसरा, इट्स ऑल इन माइंड। भाई, स्कूल के बच्चों को खेलना और बड़ों को इंटीमेट होना, दिमाग में बस यही भरा होता है। इनर फायर, तभी आग लगती है जब किसी को कूटने का मन करता है। तो अगर लाइफ में इस मीडियोक्रिटी की सोच को हटा के आपको अपने गोल्स अचीव करना है तो ये डॉक्यूमेंट्री इज़ 5/5। थैंक यू।